मुझे बताओ, बंगाल में सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है नहीं बनाना है? अब हाँ इतने जोर जोर से बोलते हो और भारत माँ का जयकारा छोटे आवाज से लगाते हो। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ खड़े करें। बंगाल में परिवर्तन की मुट्ठी बीजिए, संकल्प लीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष भाई दिलीप घोष जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव और बंगाल भाजपा के दिग्गज नेता श्री राहुल सिन्हा जी, तपन जी, जिनके नेतृत्व के अंदर बंगाल में लोकसभा चुनाव का प्रबंधन चल रहा है। ऐसे प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मुकुल रॉय जी, तुषार मुखर्जी जी, महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा लोकेट चटर्जी जी, हमारे सह प्रभारी अरविंद मेनन जी, सुब्रतो चट्टोपाध्याय जी, तुषारकांत घोष जी, हमारे पूर्व विधायक और बंगाल के नेता भाई समीक भट्टाचार्य जी, और आज मैदान को छोटा करने वाली बड़ी संख्या में आए हुए कांठी और कोंटाई के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, मीडिया इस ओर खड़ा है और मैं इस ओर देखकर बोल रहा हूं, क्योंकि जनता इस ओर खड़ी है, बंगाल की जनता का ये मिजाज। हमें इतना ही मैदान दिया, जनता ने इस ओर भी मैदान भर दिया और ये हजारों की संख्या में आई हुई जनता बंगाल के अंदर क्या होने वाला है वो बता रही। मित्रों, आज जब मैं मेदिनीपुर आया हूं, तब यहां के ही सपूत और अमर शहीद खुदीराम बोस को सबसे पहले प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने 20 साल भी पूरे हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने जीवन का बलिदान भारत माता के लिए दिया। यही कोंटाई के अंदर ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने मां भारती की वंदना अमर कृति वंदे मातरम का गान लिखा, वो बंकिम बाबू भी लंबे समय तक यही कोंटाई के लिए। मित्रों, ये जो भूमि है, पश्चिम बंगाल की भूमि ने कई सालों तक, दशकों तक देश का नेतृत्व किया, सांस्कृतिक नेतृत्व किया, राजनीतिक नेतृत्व किया, आर्थिक नेतृत्व किया। वो पश्चिम बंगाल की भूमि को आज क्या हो गया? हमारा सोनार बंगला कहां गुम हो गया? देश भर में फैले हुए बंगाली आज सोनार बंगला को ढूंढ रहे हैं, देश भर के लोग भी बंगाल की ओर देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हो गया। ये जो चुनाव आने वाला है 2019 के अंदर, वो चुनाव
कोई पार्टी को बदलने के लिए, कोई पार्टी को चालू रखने के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है। देश के लिए हो सकता है कि चुनाव मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो, मगर बंगाल के लिए नहीं है। बंगाल के लिए चुनाव सोनार बांग्ला के निर्माण का चुनाव है, सोनार बांग्ला की कल्पना को सिद्ध करने का। कोई भी प्रदेश हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो जब तक समृद्ध नहीं होता, जब तक वहां पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं होती। बंगाल के अंदर भी पुराना बंगाल हमें चाहिए, रविंद्र संगीत से गूंजता हुआ बंगाल चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन की आवाज फिर से एक बार सुननी है, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से उनके पैदल विचरण से सुगंधित बंगाल चाहिए, तो बंगाल के अंदर मित्रों लोकतंत्र मजबूत करना पड़ेगा, इसके अलावे नहीं होगा। आज मैं बंगाल की जनता को कहने आया, किसी राजनीतिक दल को प्रचार करने का अधिकार है या नहीं है बताइए भैया, जोर से बोलिए है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 रथ लेकर पूरे बंगाल के गांव गांव में जाना चाहते थे, आपके पास आना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि आप यहां आओ, हम चाहते थे हम आपके घर पर आपके गांव में आए, मगर हमें आने नहीं दिया, बंगाल की जनता से मिलने नहीं दिया। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ममता दी आपके बहरे कान खोल कर सुन लो, जितना रोकना चाहोगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर गांव गांव जाकर कमल का संदेश देंगे। आप हमें रोक नहीं सकती हो, ये देश में लोकतंत्र है। और आप ये भी सुन लो, मुझे बताया गया यहां के एडीएम ने कोई बसे रोकी नहीं, कल आधी रात को उसका ट्रांसफर कर दिया। अरे एडीएम पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो ममता जी? गुस्सा निकालना तो हम यहां खड़े हैं, सीना चौड़ा कर खड़े हैं, हम नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप जितनी ट्रांसफर करनी है इतनी कर लो, बंगाल की जनता तक जाकर बंगाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करेंगे करेंगे और करेंगे, आप रोक नहीं सकते। और अगर आप एडिशनल डीएम डीएम पुलिस वालों का ट्रांसफर करना चाहती हो, तो एक दिन ऐसा आएगा हर जगह ऐसी भीड़ होने वाली है, सुन लो ममता दीदी, एक दिन ऐसा आएगा कि बंगाल में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही नहीं रहेगा। सबका ट्रांसफर करोगी क्या? आप नहीं कर सकते। बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के 65 से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों होती? क्या गुनाह है उनका? गुनाह इतना ही है कि ममता जी की सिंडिकेट का हम विरोध करते हैं, उनके भ्रष्टाचार का हम विरोध करते हैं, उनके परिवारवाद का हम विरोध करते हैं, उनके लोगों के द्वारा किए गए बम धमाकों का हम विरोध करते हैं, इनके द्वारा फैलाई गई अराजकता का हम विरोध करते हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया है। और कितने दिन करोगे? परमिशन नहीं देना, यात्रा ना निकलना, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देना, कार्यकर्ताओं की हत्या कर देना। ममता दी मेरी बात ढंग से सुनकर रखना, मई के अंत में लोकसभा का काउंटिंग होगा, सुबह 9 बजे काउंटिंग शुरू होगा, 10 बजे तक पहला राउंड, 11 बजे तक तीसरा राउंड, 12 बजे तक पांचवा राउंड, 1 बजे काउंटिंग खलास, और ये 2 बजे ममता बनर्जी की सरकार। ये बंगाल
पश्चिम बंगाल इस बार नरेंद्र मोदी के साथ जाने का फैसला कर बैठा है। मैं जहां ही जाता हूं हजारों लाखों की भीड़ दिखाई देती है। मित्र भारतीय जनता पार्टी, हम सोनार बांग्ला की कल्पना लेकर निकले। ये बंगाल जो आजादी के वक्त देश के विकास में बड़ा योगदान करता था, आज वो बंगाल को कहां पहुंचा दिया? हर पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, उसके पास खाना नहीं है। ये हालत आपके बंगाल में, आपने बंगाल की कर दी। देश के जीडीपी में, देश के विकास के इस सूची में 29 राज्यों में 70वें स्थान पर आपने बंगाल को पहुंचा दिया, जो दूसरे तीसरे स्थान पर है। मित्रों, पूरे देश में जो बिजली की खपत होती है, इसकी एवरेज जो होती है, इससे 30% कम बिजली बंगाल में खर्च होती है, क्योंकि यहां उद्योग धंधे ही नहीं बचे हैं। इन्होंने कहा था 2011 के घोषणा पत्र के अंदर 55,000 बंद फैक्ट्रियों को हम चालू करेंगे और बंगाल के युवाओं को रोजगारी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी, कल बंगाल की जनता को बताइए, आपने 55,000 फैक्ट्रियों में से कितनी चालू करी? फैक्ट्री एक भी चालू नहीं करी। बम बनाने की फैक्ट्री हर जिले में आपने चालू करी। 55,000 कारखाने बंद पड़े हैं। और मित्रों, सबसे ज्यादा मैनवर अगर कहीं व्यतीत हुए हैं, बेकार हुए हैं, तो मेरे सोनार बांग्ला में। बंगाल इस तरह से विकसित हो सकता है क्या? बताओ भैया, बताओ, हो सकता है? ममता दी के शासन में बंगाल आगे बढ़ सकता है क्या? जोर से बोलो, बढ़ सकता है। मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं, एक लंबे समय तक आपने कांग्रेस को शासन करने का मौका दिया या नहीं दिया? जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? एक लंबे समय तक 25 साल से ज्यादा कम्युनिस्टों को मौका दिया या नहीं दिया? अब ममता दी को भी मौका दिया या नहीं दिया? जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? किसी ने बंगाल का भला किया है क्या? किया है क्या? कांग्रेस ने किया है? कम्युनिस्टों ने किया है? ममता दी ने किया है क्या? तो मित्रों, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दो। मैं आपको कहना आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला का निर्माण फिर से एक बार करेंगे। सोनार, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता दीदी बंगाल का भला नहीं कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक ही सिक्के के चट्टे पट्टे है, एक ही सिक्के के चट्टे। कैसी स्थिति? कांग्रेस थी तब गरीबी की शुरुआत, कम्युनिस्ट आए हिंसा चालू रहे। ममता दी ने गरीबी और हिंसा दोनों तो चालू ही रखे, साथ में सिंडिकेट भी चालू कर दी, और ये आज तीनों की चक्की में बंगाल फीस रहा है। मित्रों, चीट फंड, आप लोगों को शायद ममता जी का एक गुण मालूम नहीं, मैं बताऊं, ये बहुत अच्छा पेंटिंग करती है, मालूम है आपको? भाई, महंगे से महंगा पेंटर होगा तो उसकी पेंटिंग कितने रुपये में बिकेगी बताओ? भाई, 25,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, बस ठीक है ना? अभी ममता दी की पेंटिंग चिट फंड वाले करोड़ों में खरीदते हैं। अब सैया भय कोटवाल तो डर का है का, पेंटिंग खरीदने वाला, मित्रों, पेंटिंग खरीदने वाला अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो चिट फंड वाले पकड़े जाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, पकड़े जाएंगे? मित्रों, 25 लाख से ज्यादा बंगाल के लोगों की गाढ़ी कमाई, पसीने की घाड़े, पसीने की कमाई ये चिट फंड वाले चाव कर रहे हैं। इसकी अगर परिवारों की लाइन लगाए
तो यहाँ से कलकत्ते तक लंबी लाइन हो इतने लोगों का पैसा। मैं आपको कहने आया, एक बार परिवर्तन करिए, ममता को उखाड़ कर फेंक दीजिए, कमल की सरकार बनाइए। एक चिट फंड वाले जो पैसा खा गए हैं, आना पाई का पैसा उल्टी करा कर आपके पास वापिस दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पेंटिंग खरीदी गई। वो नहीं कर सकते, इनके सांसद इसमें लिप्त है। हमारे मन में कोई खोट नहीं है, एक एक को ढूंढ ढूंढ कर हम सीधा करने का काम करेंगे। ये बांग्लादेश की सरहद पर हर रोज गौ तस्करी होती, आप मानते हो कि गौ तस्करी रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये जो माफिया गौ तस्करी कराते हैं किस पार्टी में है बताओ भाई? जोर से बोलो, किस पार्टी में है? जोर से बोलो, किस पार्टी में है? वो रोक सकते हैं गौ तस्करी? वो रोक सकते हैं मित्रों? वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ रोक सकते हैं? घुसपैठ ये उनकी वोट बैंक है, वो नहीं रोक सकते। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, भाजपा को जिता दो, घुसपैठिए तो क्या, परिंदा भी पैर मारकर यहां नहीं आ सकेगा। एक एक घुसपैठियों को निकालने का काम, अगर घुसपैठियों से मुक्त अगर बंगाल बनाना है तो ममता दीदी कांग्रेस और कम्युनिस्ट नहीं बना सकते, उनको घुसपैठियों के वोट चाहिए। घुसपैठियों से मुक्त अगर बंगाल बनाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बना सकते हैं और कोई नहीं। मित्रों, दिन कैसे आए, हमारा ही देश, हमारा ही बंगाल, सरस्वती पूजा करने जाओ तो गुंडे हमला कर देंगे, दुर्गा पूजा करने जाओ तो गुंडे हमला कर देंगे। आप मुझे बताओ, बंगाल के अंदर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं कहना चाहता हूं, अगर बंगाल के अंदर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा नहीं हुई तो कहां पाकिस्तान में जाकर करेंगे? यहीं पर होगी। और अब आप रोक नहीं सकते हो मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करेंगे कि सरस्वती पूजा और दुर्गा विसर्जन बड़ी आन बान और शान के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर हो। इस प्रकार मोदी जी ढेर सारी योजनाएं भेजती, बंगाल के गरीब के लिए, बंगाल के किसान के लिए, बंगाल की बेटियों के लिए, ममता दी इसके नाम बदल देती। मोदी जी योजना भेजते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहते हैं कन्याश्री योजना। मोदी जी खाद्य सुरक्षा भेजते हैं, वो कहते हैं खाद्य साथी योजना। मोदी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भेजते हैं, वो कहते हैं बांग्लार ग्राम सड़क योजना। हम स्वच्छ भारत भेजते हैं, वो निर्मल बांग्ला की बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, वो बांग्लार ग्रामीण आवास योजना बनाते। अब देखिए भैया, चावल मोदी जी ने भेजा, टॉयलेट मोदी जी ने भेजा, रोड मोदी जी ने बनाया, स्वच्छ भारत के लिए काम मोदी जी ने किया, खाद्य सुरक्षा मोदी जी ने सुनिश्चित करी, और ममता दी तृणमूल का थप्पा लगा दी। वो समझती है कि जनता को कुछ मालूम नहीं है, पूरी जनता को मालूम है 2 रुपया किलो जो चावल आता है वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये गांव को जोड़ने वाले जो रोड बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनाती है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद इस देश की 6 करोड़ गरीब माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी अभी एक आयुष्मान भारत योजना लेकर आए। मुझे बताओ भैया, गरीब को, गरीब का बाप, गरीब की मां बीमार हो जाए तो उसको
इलाज का अधिकार है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, इसका भी इलाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मोदी जी ने योजना बनाई 50 करोड़ गरीब और 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए, 5 लाख तक की सब खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठाने वाली है। इसमें आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है? जोर से बोलो, अच्छा लगता है बुरा लगता है? ममता दी हम पर खफा हो गई। पोस्ट ऑफिस का घिराव करती है, कार छीन लिए जाते हैं, उनको डर है कि एक गरीब का कैंसर का ऑपरेशन हो गया तो वो नरेंद्र मोदी को वोट देगा। अरे इतना तो पाप मत करिए, इतना तो पाप मत करिए। किसी को कैंसर हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, लतवा हो गया, किसी के घुटने बदलाने हैं, ये सारी चीजें बंगाल के लोगों का अधिकार है मित्रों, जो आपको नहीं मिलता है ममता दीदी रोकती है। मित्रों, हमारे शरणार्थी जो आए हैं, हिंदू है, सिख है, जैन है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बंगाल में बोलिए जरा, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए ना मिलनी चाहिए? मोदी जी इनको नागरिकता देना चाहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं। मैं ममता दी को पूछना चाहता हूँ, राज्यसभा के अंदर अब सिटीजन अमेंडमेंट बिल का समर्थन करेगी या नहीं करेगी, मेरी बंगाल की जनता को जरा बता दो। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए भाई? जोर से बोलो, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? घुसपैठिए आते हैं उनका स्वागत है, ये रोहिंग्या चले आते हैं उसका स्वागत है, और जो शरणार्थी अपना धर्म बचाने के लिए, अपने बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए, इसके लिए जगह नहीं है। मित्रों, मैं बंगाल में बसे हुए हर शरणार्थी को कहने आया हूं, आप सभी को सिटीजनशिप देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, ये बंगाल किस तरह से चल रहा है? कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो टोल टैक्स देना पड़ता है, शिक्षक की जॉब चाहिए टोल टैक्स देना पड़ता है, जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए घूस देनी पड़ती है, मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए तो भी घूस देनी पड़ती है, मनरेगा में काम चाहिए घूस देनी पड़ती है, विधवा पेंशन करना है घूस देनी पड़ती है। मित्रों, ये सारी चीजों को अगर बंद करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, अभी अभी राहुल बाबा भी यहाँ घूमते हैं, मैं आपको बताने आया हूं, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उस वक्त सरकार में 2G थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। कितने जी थे भाई, जरा जोर से बोलो। अब 2G थे तो भी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किया, कितना करोड़ का किया? अगर अब तीसरा जी आ जाएगा तो कितना करोड़ का होगा भाई? अब प्रियंका जी भी आ गई है, 2G के साथ तीसरा जी जोड़कर और भ्रष्टाचार करने के लिए लंबे समय की योजना कांग्रेस ने बनाई है। मित्रों, कांग्रेस और तृणमूल दोनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। कांग्रेस को भी, अरे यार सब होंगे, चिंता मत करो, सबके सब होंगे। मित्रों, कांग्रेस में भी परिवारवाद है, कांग्रेस में भी सोनिया के बाद राहुल जी है, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल। यहाँ पर भी ममता जी के बाद उनका भतीजा तैयार बैठा है भैया, आप सहमत हो इससे? सहमत हो? ये परिवारवाद देश का भला नहीं कर सकता। ये लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि देश को एक मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार। भारतीय जनता पार्टी कहती है देश को मजबूर नहीं, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। मुझे बताओ, मजबूत सरकार चाहिए या मजबूत? जरा जोर से बोलो, मजबूत सरकार चाहिए या मजबूत? अगर मजबूत सरकार करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं दे सकता, नरेंद्र मोदी जी के अलावे मजबूत सरकार कोई नहीं सकता। हम कहते हैं
हम कहते हैं कि सरकार लीडर चलाना चाहिए, नेता चलाना चाहिए। हम कहते हैं सरकार नेता चलाना चाहिए, ये कहते हैं सरकार डीलर चलाना चाहिए, दलाल चलाना चाहिए। आपको बताइए भाई, आप लोग बताइए भैया, लीडर वाली सरकार चाहिए या डीलर वाली? जरा जोर से बोलो, लीडर वाली चाहिए या डीलर वाली? ये लीडर वाली सरकार हम ही दे सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 साल के अंदर 4 लाख करोड़ रुपया दिया है। कितना दिया है भाई? आपके गांव में पहुंचा है क्या? पहुंचा है बताओ? 24 घंटा बिजली आती है क्या? ये 4 लाख करोड़ कहां गया भाई? कहां गया? ये ममता बनर्जी की सिंडिकेट में भेंट चढ़ गया, भेंट चढ़ गया। अगर इससे मुक्ति पाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगी। 2019 में बंगाल में से लगभग 23 से ज्यादा सीटें जिताकर बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाने की नींव डाल। मुझे बताइए आप सभी लोग 2019 में मोदी जी की सरकार बनाने के लिए तैयार है क्या? जोर से बोले, तैयार है? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? बंगाल में भाजपा सरकार बनाओगे? 23 से ज्यादा सीटें लाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बंगाल में परिवर्तन की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।